राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतगणना हुई। इन सीटों पर 1800 से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच था। बीते कुछ दशकों में परंपरागत रूप से इस राज्य में हर विधानसभा चुनाव में राज यानी सरकार बदल जाती है। एक चुनाव में कांग्रेस तो दूसरे चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। इस बार के चुनाव में भी ये परंपरा बरकरार रही है। मतगणना की शुरुआत से ही बीजेपी ने शानदार बढ़त बनाई हुई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कई फायर ब्रांड नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें ओसिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या मदेरना भी हैं, जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। ओसिया सीट से 2018 में चुनाव जीतने वाली दिव्या मदेरना 2800 से ज्यादा वोटों से हार गई हैं। बीजेपी के भैराराम चौधरी ने दिव्या मदेरना को करारी शिकस्त दी। इस बार के चुनाव में दिव्या का वोट प्रतिशत बढ़ा जरूर, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी से काफी कम मार्जिन से ही लेकिन पीछे रह गई। दिव्या को 1,939 वोट मिले, वहीं भैराराम चौधरी ने 1,03,746 वोट हासिल किए। 2018 के चुनाव में दिव्या मदेरना ने भैराराम को 27,590 मतों से हराया था। दिव्या मदेरना ने जबरदस्त अंदाज में चुनाव प्रचार किया था। उनके प्रचार के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। कभी वो बल्ला भांजते हुए नजर आई थी। दिव्या मदेरना ने दावा किया था कि ओसिया में 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 103 पानी की टंकियां बनाई हैं। उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कपास के खेत में नजर आई थी। लोगों के साथ संवाद में भी दिव्या ने कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन कई ऐसे कारणों पर अब कयास लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से दिव्या को हार का सामना करना पड़ा। इनमें एक वजह बताई जाती है कि दिव्या गहलोत टीम से नहीं मानी जाती थी, और कई ऐसे मौके आए थे जब उन्होंने अपनी ही सरकार को बयानों से असहज कर दिया था। महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते उन्होंने कह दिया था कि मैं राजस्थान में खतरा महसूस करती हूं। बता दें, इस बार के चुनाव में कांग्रेस नेता दिव्या मदेरना की ओसिया विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनी हुई थी। दिव्या दूसरी बार फिर से राजस्थान की ओसिया विधानसभा सीट से मैदान में थी। दिव्या एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। दिव्या के दादा परसराम मदेरना राजस्थान के बड़े जाट नेता माने जाते थे। उनके पिता स्वर्गीय महिपाल मदेरना राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और दादा स्वर्गीय परसराम मदेरना राजस्थान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी माँ लीला मदेरना वर्तमान जोधपुर जिला प्रमुख है। 39 साल की दिव्या का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को हुआ था। दिव्या ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2018 में वो ओसिया सीट से पहली बार विधायक बनी थी।